सो हेलो एवरीवन, आज इस मूवी में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक पांडा और उसके पांचों साथी मिलके एक गांव के सारे लोगों को दुश्मनों से बचाते हैं, फिर एक बुरा राजा का कैसे खात्मा करते हैं। ये सब देखने के लिए बने रहे हमारे साथ मूवी के एंड तक। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत सालों पहले चीन के गोंगनांग शहर में मौर्य राज क्या करते थे। उसी वक्त वहाँ पर सारे लोग खुशी खुशी रहते थे, फिर वो सारे मिलके फायरवर्क का आविष्कार करते हैं और फिर खुशियों के त्योहार पर फायरवर्क जलाया करते थे। लेकिन उन लोगों को खतरे का एहसास तब हुआ जब वहाँ का राजकुमार सेन ने फायरवर्क को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए सोचा। सेन को गलत रास्ते पर जाते हुए देखकर सेन की माता पिता एक ज्योतिषी बुलाते हैं ताकि वह सेन की भविष्य के बारे में जान सके। तभी ज्योतिषी भविष्यवाणी करती है, अगर राजकुमार सेन इसी राह पर चलती रहे तो एक काला और सफेद योद्धा उनको मार देगा। तभी हम देखते हैं राजकुमार सेन छुप के उनके सारे बात सुन रहे थे। उनके बात सुन के राजकुमार सेन ठान लेते हैं कि मैं किसी भी हाल में मेरे तकदीर बदल के रखूंगा। फिर राजकुमार सेन उनके सारे सैनिकों को लेके निकल जाते हैं सारे पांडव को मारने, क्योंकि वो सोच रहा था अगर मैं सारे पांडव को मार दूंगा तो मुझे मारने वाला कोई भी नहीं होगा। फिर सेन एक गांव में जाके सारे पांडव को मार देता है और फिर खुशी खुशी घर लौट आता है। राजा और रानी सेन को ऐसे काम करते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। इसी वजह से सेन को हमेशा हमेशा के लिए इस राज्य से निकाल देते हैं। फिर सेन जाते जाते कहता है, मैं एक दिन जरूर वापस लौटूंगा और मेरे सामने पूरा चीन झुकेगा। चीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर सेन उसकी आर्मी के साथ मिलके एक खतरनाक हथियार बना रहा होता है। लेकिन तभी उसका मेटल खत्म हो जाता है। फिर सेन उसके सारे सोल्जर को मेटल लेने भेज देता है। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन योद्धा को दिखाया जाता है जो उसके सारे दोस्तों के साथ मिलके मजे कर रहा होता है। लेकिन तभी उसे मास्टर शिफू बुलाते हैं और फिर उसे अंधूरी शांति के बारे में बताते हैं। तभी वह बताते हैं, मैं बहुत सालों तक ध्यान लगा के अंधूरी शांति को हासिल कर चुका हूँ और तुम्हें भी अंधूरी शांति हासिल करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें सेन की आर्मी को दिखाया जाता है और सभी मिलके एक गांव पर मेटल के लिए हमला कर देते हैं। लेकिन तभी उन्हें उन द्वंद्व से बचाने ड्रैगन योद्धा और उसके पांचों साथी आ जाते हैं। तभी इनके बीच में एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाता है। उनसे लड़ते हुए ड्रैगन योद्धा एक उल्फ की हाथ पर बनी एक निशान देख लेता है, जिस वजह से उसे फ्लैशबैक में उसके मदर दिखाई देते हैं। लड़ाई से ध्यान हटने की वजह से उसे एक उल्फ बहुत मारता है। फिर वो सारे मेटल को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। ड्रैगन योद्धा उस फ्लैशबैक को लेके बहुत परेशान था। उस फ्लैशबैक के बारे में पता लगाने के लिए ड्रैगन योद्धा उसके फादर के पास आ जाता है। फिर वो उसके फादर को पूछता है, मैं यहाँ पे कैसे आया। ये सुन के उसके फादर बताते हैं, बहुत साल पहले एक दिन जब मैं सब्जी लेने गया तो मैंने देखा कि एक मूली की टोकरी में एक भी मूली नहीं था, क्योंकि उसमें एक छोटा सा पांडा था। तुम्हें देखकर मैंने सोचा शायद किसी ने तुम्हें यहाँ पर छोड़ गया है, इसलिए मैंने इंतजार किया शायद तुम्हें कोई लेने आ जाए, लेकिन तुम्हें कोई भी लेने नहीं आया। फिर मैं तुम्हें मेरे घर ले आया और मेरा बेटा बना लिया, फिर तुम्हारा देखभाल करने लगा। ये सारे बातें सुन के भी ड्रैगन योद्धा बहुत परेशान था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता कौन है और मैं इस मूली की टोकरी में कैसे आया। सीन शिफ्ट होता है और हमें सेन को दिखाया जाता है जो वापस उसकी महल आ चुका होता है और उसके साथ उसके कैनन को भी ले आया था। गोंगनांग शहर पर अब राइनो राज किया करते थे जो कि बहुत पावरफुल कुंभी योद्धा थे। अभी राइनो को सेन कहता है, मैं वापस आ चुका हूँ और मेरे आगे अब चीन को झुकना होगा। सेन ये कहकर मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रॉक के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है, लेकिन सेन उन दोनों के कुंफू के आगे नहीं टिक पाता है, इसीलिए उसकी कैनन से राइनो पर हमला कर देता है। इसी वजह से राइनो की वहाँ पर मौत हो जाता है। फिर वह मास्टर क्रो और मास्टर ऑक्स को बंदी बना लेता है। इसके बाद वह पूरी गोंगनांग शहर पर राज करने लगता है। देखते ही देखते ये खबर चारों तरफ फैल जाता है। ये खबर मास्टर शिफू के पास भी आ जाता है। फिर मास्टर शिफू ड्रैगन योद्धा और उसके साथी को बताते हैं, सेन ने उसकी बनाई हुई हथियार से राइनो को मार दिया है, अगर हम लोगों ने सेन को नहीं रोका तो पूरी चीन से कुंफू खत्म हो जाएगा। फिर मास्टर शिफू ड्रैगन योद्धा को कहते हैं, अगर तुम अधूरी शांति हासिल कर ली तो तुम आसानी से किसी का भी सामना कर सकते हो। मास्टर शिफू उन सभी को गोंगनांग सिटी जाके सेन के उस हथियार को तोड़ के सारे लोगों को बताने कहते हैं। फिर सभी योद्धा निकल जाते हैं गोंगनांग सिटी की तरफ। रास्ते में ड्रैगन योद्धा अधूरी शांति पाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन तभी वहाँ पे टाइगर्स आ जाती है और वो ड्रैगन योद्धा को ऐसे करते हुए देखकर सोचती है कि यहाँ पे क्या कर रही है। तभी ड्रैगन योद्धा टाइगर्स को देख लेती है, फिर उसे बताता है, मैं अधूरी शांति हासिल करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त वहाँ पे उनके बाकी साथी भी आ जाते हैं। ड्रैगन योद्धा देखता है वो सभी गोंगनांग सिटी पहुँच चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें गोंगनांग सिटी की महल में सेन को दिखाया जाता है। सेन ज्योतिषी से कहता है, अब तुम वापस मेरे भविष्य बताओ, मगर ज्योतिषी सेन को पहले की तरह इसी बार भी वही बताती है कि एक दिन एक पांडा आएगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये सुन के सेन कहता है, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सालों पहले सारे पांडा को मार दिया था। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है और सेन को बताता है, मैं अभी अभी हमारे सिटी में एक पांडा को देखा है। पांडा के बारे में सुनते ही सेन बहुत डर जाता है। फिर उसके सारे सिपाही को कहता है, उस
पांडा को पकड़ के मेरे पास ले आओ। दूसरी तरफ ड्रैगन योद्धा और उसके सारे साथी सभी से बचते हुए एक जेल तक आ जाते हैं, जहाँ पर मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रो को कैद करके रखा गया था। फिर हॉस अभी उन दोनों मास्टर के पास आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं हम सब मिल के सेन से गंगलैंड सिटी को बचा लेंगे, लेकिन इसके लिए मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रो मना कर देते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर हम यहाँ से भाग गए तो सेन पूरा गंगलैंड सिटी में तभी मचा देगा और उसका हथियार से कोई भी नहीं बच सकता है। तभी उस जेल में सेन का बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं, फिर उन सभी को पकड़ के सेन के पास ले आते हैं। सेन ड्रैगन योद्धा को बंधा हुआ देख कर बहुत खुश जाता है, फिर वो उन सभी को मरने की ऑर्डर दे देता है, लेकिन तभी वाइपर उसकी पूछ से टाइगर उसके हाथ कड़ी खोल देता है और वो सभी आजाद हो जाते हैं। इधर मेंटोस उसके कैनन को जलने से रोक देता है, फिर वो सारे मिलके उस कैनन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सब देख कर सेन हैरान हो जाता है। ड्रैगन योद्धा जैसे ही सेन पर हमला करने आता है तो उसे फिर से वो निशान दिखाई देने लगता है, जिस वजह से उसे वापस फ्लैशबैक में सेन सभी को मारता हुआ दिखाई देता है। इस मौके का फायदा उठा के सेन वहाँ से भाग जाता है। फिर सेन एक जगह पे आके पांडा और उसके सारे साथी के ऊपर बहुत सारे कैनन से हमला करने लगता है। इधर इन सभी को पता चल जाता है कि सेन के पास ऐसे बहुत सारे कैनन है, इसी वजह से वह सब परेशान हो जाते हैं। सेन कैनन से हमला पर हमला करके उस महल को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ड्रैगन योद्धा और उसके साथी किस तरह करके उस महल से बाहर आ जाते हैं। फिर वह सभी मिल के गंगलैंड शहर की जेल में आ जाते हैं। इधर सेन बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वह पांडा को मारना चाहता था, लेकिन पांडा उसके हाथ से बच गया है। इसके बाद वह उसके सारे सिपाही को शिप पे हथियार डालने के लिए कहता है, क्योंकि वह पूरा चीन पर हमला करना चाहता था। चीन शिफ्ट होता है और हमें टाइगर्स को दिखाया जाता है, जो पांडा से पूछ रही थी तुम सेन को क्यों नहीं मारा। तो पांडा सभी को बताता है, मैं जब सेन के पंख पर उस निशान को देखा तो मुझे फ्लैशबैक में मेरे माता पिता दिखाई देने लगे। ये सारे बातें सुन के टाइगर्स पांडा को सेन के पास जाने से मना कर देता है और कहती है तुम यहाँ पर रुक के हमारा इंतजार करना, क्योंकि टाइगर्स नहीं चाहती थी कि ड्रैगन योद्धा को भी सेन मार दे। फिर वो सभी सेन के हथियार को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ते हैं। इधर पांडा टाइगर्स के बात नहीं मानता है और उसके जवाब लेने पहुंच जाता है सेन के पास। दूसरी तरफ टाइगर्स और उसके सारे साथी मिल के दुश्मन से लड़ रहे थे, तभी पांडा के सामने सेन आ जाता है। सेन को देख कर पांडा पूछता है तुम मेरे माता पिता के साथ क्या किया, लेकिन सेन उसे झूठ बताते हुए कहता है तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं अपनाना चाहते थे, इसीलिए वो दोनों तुम्हें छोड़ दिए। पांडा जब ये सारे बातें सोच रहा था तभी सेन कैनन से पांडा के ऊपर हमला कर देता है, जिसी वजह से पांडा एक नदी में जाके गिरता है। उस हमला की वजह से पांडा बहुत घायल हो जाता है और वह पानी में बहते बहते उस ज्योतिषी के पास पहुंच जाता है और ज्योतिषी पांडा को एक घर में ले आती है और उसकी अच्छे से इलाज करने लगती है, जिसी वजह से वह बहुत जल्द ठीक हो जाता है। फिर ज्योतिषी पांडा को बताती है कि कैसे ये तुम्हारा घर हुआ करती थी और तुम्हारा गाँव में सारे लोग खुशी खुशी रहते थे, लेकिन एक दिन यहाँ पे सेन उसके सारे सिपाही के साथ आ गया और इस गाँव की सारे पांडा को मारने लग गया। और पांडा को भी ये सारे बातें याद आने लग गए कि कैसे सेन के सारे सिपाही मिल के इस गाँव पर हमला कर दिए थे और कैसे उसकी माँ ने उसकी जान बचाने के लिए उसे एक मूली की टोकरी में रख दिए थे और इस हमला से पांडा के माता पिता मर गए थे। ये सारे बात सोचते हुए पांडा उसके मन को शांत कर लेता है। कुछ देर बाद फाइनली पांडा अंदरूनी शांति को हासिल कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइग्रेस और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जिन्हें सेन ने बंदी बना के रखा हुआ था। हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पांडा अब इस दुनिया में नहीं रहा। सेन उसकी कैनन और उसकी पूरी आर्मी के साथ चाइना पर हमला करने निकल पड़ता है। तभी वहाँ पे ड्रैगन योद्धा की एक शानदार एंट्री होता है। ड्रैगन योद्धा को जिंदा देख को सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो नीचे आके सेन के आर्मी के साथ फाइट करके उसके सारे दोस्तों को आद कर देता है। वो सारे मिल के सेन की आर्मी का बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पे मास्टर क्रो और मास्टर ऑक्स भी इन सभी के साथ देने आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को वहाँ से मास्टर शिफू बुला के लाए थे। इन सभी को वहाँ पर देख कर पांडा बहुत खुश जाता है। फिर वो सभी मिल के सेन का आर्मी का धुलाई करना शुरू कर देते हैं। इन सभी को वहाँ पर देख कर सेन का पसीना छूट जाता है। फिर वो सोचता है अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। फिर वो उसके कैनन से पांडा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी टाइगर्स पांडा के सामने आके उसे बचा लेती है। फिर वो सभी पानी में जाके गिरते हैं। तभी हम पांडा को देखते हैं जो एक बुरा सा लकड़ी के टुकड़े पर आ जाता है। ये देख कर सेन बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो उसके कैनन से पांडा पर हमला कर देता है, लेकिन इसी बार पांडा उसके अंधेरी शांति की पावर से उस आग के गोले को पकड़ लेता है और वापस उसकी तरफ फेंक देता है। ये देख कर मास्टर शिफू हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंधेरी शांति हासिल करने के लिए बहुत साल लग गए थे, लेकिन पांडा इतना जल्दी अंधेरी शांति को हासिल कर लिया है। इधर सेन उसकी कैनन से पांडा के ऊपर बहुत सारे हमला करता है, लेकिन इनसे पांडा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वह उस आग के गोले को पकड़ के सेन के बहुत सारे कैनन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख कर सेन चौंक जाता है।
जाता है और वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। तभी पांडा सर के पास आ जाता है। पांडा को देख कर सर बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर वो पांडा के ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों के अंदर एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाता है। पांडा से लड़ते लड़ते सर की पोंख से कैनन की बहुत सारे रस्सियां टूट जाते हैं, जिस वजह से सारे कैनन सर के ऊपर गिर जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ सर का वहाँ पर मौत हो जाता है। इस धमाके की वजह से पांडा पानी में जाके गिरता है और वह बच जाता है। सर की मरने की वजह से सारे लोग बहुत खुश जाता है और वह वहाँ पे पार्टी करने लगते है। अब सारे योद्धा घाटी में आ जाते हैं। पांडा उसके फादर से मिलने आता है और उन्हें जो कुछ हुआ सारे बात बताता है। फिर वो कहता है आप ही मेरे असली फादर है। ये सुन के पांडा के फादर बहुत खुश जाते हैं। तभी हमें बहुत दूर एक गांव दिखाया जाता है जहाँ पर सारे पांडा रह रहे थे। इधर हमें पांडा की असली फादर को दिखाया जाता है जो कहते हैं मेरा बेटा अब भी जिंदा है। और इसी के साथ हमारा ये मूवी यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 君の虜になる